उठया जी दम पीड़ा उठया, दम पीड़ा उठया जी दम पीड़ा उठया। ओ पैंथर, ओ फुताई वाले, तो घंटा भर होगा कर जो ले आज हेड पैड, मेरे यार सब दर्द मार रहो। बाबा दो घंटे और लगेंगे अभी। ये तो गड़बड़ हो जाएगी यार। ए चाचा क्या गड़बड़ बन रही है? अरे कहा बताऊं खालिद, पेट में जो है तूफान उठ रहा, अरे रास्ता यू रो के खड़ो। चाचा देखो ऐसा, इस तूफान को जो ना ज्यादा देर रोकना ठीक ना रहता। अगर इस तूफान ने सुनामी का रूप ले लिया ना चाचा, तो अभी तो तुम्हारी धोती का रंग सफेद है, जरा देर में पीला पीला हो जाएगा सारा माहौल। या सुनामी तो ही तो डर लग रहा हूँ भी, पर हाँ बताया को जल्दी। रहा चाचा मैं बतला रहा हूँ, तुम आदमी के नहा पे चलो, आदमी का नहा हैगा फार्म पे बहुत अच्छा पखाना, उसके पखाने में वो टेल फेल भी लग रही है, बेहतरीन मामला चाचा, वहीं जाकर होएगा तुम्हारे तूफान शांत। चलो आजा का आजा, रुको ना जा रहा हूँ। रे लिखड़िया झेड़ फेड़ कैसे यज में सोगो? ए चाचा आ रहा हूँ थोड़ी देर रुक जाओ। ए चाचा क्यों इस आदमी की जान खुआ रहे हो यार? तुम्हें पता ना है 72 रोटियां खाता, 72 रोटियों का गुनेगार है, तो चाचा जरा बहुत टाइम तो इसको लगेगा ही बिचारे को। अरे मोह तो समझ में आ रही है, या तू फोन के समझ में ना आ रही ना, यू कर रुके। अरे तू यहां नहाने को गयो, हगने को गयो? ए चाचा गया तो भाई कौन कुयो, पर भीतर तो बहुत भपका हो रहा, बहुत गर्मी है, थोड़ी देर और रुक जाता बेहोश हो जाता मैं तो। मैं तो जिनावर, इसमें गर्मी की क्या गलती है? एक हाथ का तो तेरा है पखाना ना, इसमें गर्मी ना होगी तो क्या शिमला वाली बर्फ गिरेगी? खाली देख काम कर, क्या बीज नहीं लेके आजा, ब्याल कर तो रही है तुम आजा। चाचा गर्मी पखाने के अंदर क्या बाहर भी पूरा असर दिखला रही है, देख रहा है आदमी चाचा को है, कैसी जलालत भरी बातें कर रहा है ये बुड्ढा। ए भाई अगर मैं आ में अदबर में बेहोश हो गो तब तो मैं उठाने को भी ना आने को फिर। देख रहा है आदमी, देख रहा है चाचा की अनीति भरी बातें हैं। चाचा अपने रिसक पे जाओ, तुम्हें जाना तो हमसे कोई उम्मीद मत लगाना, नुक उठाने आ जा उसके लिए आ जा। यार खालिद नौ पड़ रही हिम्मत, नौ पड़ रही कथाई भी, या आदमी ने पता ना कहा उल्ट सुल्ट खाया, सड़ौत मार रही है सारे में। अब एक काम कर, जंगल को चल मेरी केल, कई दिन तक हिड़क भी मार रही मेरा, हो घूम कांगे हो कर कांगे, तू फोन है सुन। चलो चाचा मुझे तो कोई परेशानी ना, मेरा तो खुद मन कर रहा बहुत दिनों से, पर चाचा ऐसा आजकल जो ना सरकार इसको गुना मानती है बाहर करने को। मैंने तो चाचा यहाँ तक सुना सरकार जो फोटो खिंचवा के जनहित में जारी कर देती है। oh, no. हम भैया डरते रहे, सोशल मीडिया का जोर चल रहा आजकल, पर तू दिक्कत मत ना ले, डोडे दुबक्के बैठेंगे, चल। ये सही रहेगा चाचा, कहीं छिपके मामले को बना लियो, पर चाचा हाथ में जो एक ही बोतल लेकर चलना, किसी ने देख लिया ना दो बोतलों को ले जाता, तुरंत करने लग जाएगा नुका उसी काम के लिए जा रहे हैं, बोतल एक ही रखेंगे दोनों उसी में शामिल हो लेंगे। हाँ तो कोई दिक्कत ना, एक बोतल ले चलेंगे, चल भाई आदमी चल तू भी। ए चाचा मैंने करता ली कितनी बैठ जाऊंगा? तो गेट तो फूक दे बंद कर दे, आप बैक मार रही है। आ भैया अरे खाली जा बीजने दे दे, आंखों ले जा। बे यार देख ले जिनावर फंती कर रहा है ना कर रहा, रे जरा जंगल में जा रहे, हवा की जरूरत पड़ेगी यार। और काई जरूरत पड़ेगी तो मैं आगे दे। देख रहे हो चाचा इसीलिए बुरा लगे मुझे जिनावर। तू भी खालिद बेवकूफी दिख है, जब गेट लगाने गयो चुप देसी, दबा दे तो कुर्ता में। हाँ ये गलती लग गई, आगे ध्यान रखूंगा मैं। तो फिर बढ़ गई, यहाँ रुके रहते तो तुम्हारे यहीं सैलाब आ जाता। खालिद अब पहले जैसे प्यार न रहे भाई,
पहले जो है मैं तेरा अब्बू और चेतामना हूँ हमारे घर के पीछे जो तीनों जाए करे पहले झोड़ तो पल्ले और की करी उनमें जाकर बैठ कर फ्रेश हो करे बढ़िया ब्याल तले करे एकदम ना चाचा सही कह रहे हो तुम्हें पहली जैसी मोहब्बत ना रही है चाचा लोगों में अब तो घर गए सरकार ने गुरसल खाने बनवा डाले अब कहाँ मोहब्बत रही है ऐसी शिल्पाहारी दिखे देखे तुम ना चाचा मौसी शिल्पाई तो चाचा या पकड़ बोतल है तू धर अरे शिल्पा जी कहाँ घूम रही है जंगल में मैं तो खेत पे गई थी श्यामलाल जी घास काटने के लिए धूप में मत लिकड़े करो मलूक जनानी धोलो रंग कालो न पड़े जावे मसी शिल्पे को देख के ज्यादा ना मटका करो चाचा कहीं सफेद धोती पीली ना पड़ जावे आप भी ना श्यामलाल जी बहुत मजाक करते हो और खालिद जी आप क्या छुपा रहे हो पीछे बहुत देर हो गई है आपको देखते देखते कुछ ना मौसी पानी है जरा सा आप भी ना खाली जी बहुत कमाल करते हो मैं यहाँ प्यास से मरी जा रही हूँ आप पानी दुबका रहे हो पीछे मुझे पानी पीना है ले मौसी हम तुमसे लेता हूँ तुमसे बाहर है हम खूब पियो तुम लो तो फावड़ा था ना ये शहर की पढ़ी लिखी वीर बोनी ये आप गंदे पौनी पियेंगी आरो को पीवे ये तनसे से मैं आप पी के इनके फोड़ा फुंसी और पिंपल हो गए तो तू रहेगा जिम्मेदार पीछे फरिया पीने लायक ना जी मैं सौ तुम पे ना सूट करेगा तो फिर आप ये पानी कहाँ लेकर जा रहे हो यू तो यू ही बताओ यहाँ पे है ना पानी बता तू ही बता खाली जी आप ही बताइए पानी मौसी मैंने जो है ना मौसी कुछ समय पहले पौधा लगाया ना जंगल में उस पौधे को ही पानी पिलाता रहता हूँ बस उसके लिए ही लेकर जा रहा ओ खाली जी आपकी ना सोच बहुत अच्छी है मुझे भी पौधा देखना है प्लीज मुझे भी दिखवाइए क्योंकि पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं चलो मौसी कोई परेशानी ना चलो चल खाली जी आप तो पौधा बता रहे थे तो पूरा पेड़ है वो भी कीकर का मौसी देखो ऐसा है हमारे यहाँ पे कीकर तुम्हें और तो दिख ही ना रही है दूर दूर तक इस कीकर को मैंने किसी को लगाया आज यहाँ पे लगाया आज देख लो तुम पानी पिलाते पिलाते कितनी बड़ी हो गई है शिल्पा जी औलाद जो कितनी बड़ी हो जाइयो बाप को औलाद ही रहे ऐसे ही पेड़ कितना बड़ा हो जाइयो हमको जो है पौधा ही रहा कोई अब चाचा ऐसा घर के लिए ही कर लो कहीं तुम्हारा तूफान सुनामी का रोल ना ले ले ना फे कभी समझ रहे हो ना नदिया ही बहवे आ जाओ खलियाओ यूपी छोड़ो छोड़े आज